कर्मचारियों को पक्का करो, मानी गई मांगे लागू करो, मानी गई मांगे लागू करो, तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल। जो क्लास फोर का हमारा संकल्प है, जो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, उसका जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप रहे हैं। कोई नई मांग नहीं मान रहे हैं। जो सरकार ने हमारी पीछे मांगे क्लास फोर यूनियन की 21-22 मई को भी, उससे पहले भी जो मांगे मान ली है, जो जायज मांगों को उनका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उनको लागू किया जाए। बहुत सारे हमारे साथी आज भी 1000-1500 पे काम कर रहे हैं, कोई उन पे कोर्ट केस का बहाना कर रहे हैं। तो जो वेजेस है, मिनिमम जो डीसी रेट है वो भी लागू किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ में आज मुख्य मुद्दा ये भी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन साथियों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए ये काम करते हुए, आज इनको कौशल रोजगार निगम से जोड़ते हुए 1 साल की नियुक्ति दी जाएगी। अगले साल इनको कहां भेजा जाएगा, अभी कोई उसमें होता है नहीं है। तो हम विरोध करते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, और युवाओं के लिए जो जात धर्म के नाम पर बांटने का, जो समाज को बांटने का जो काम किया जा रहा है, उसको बंद करते हुए युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का प्रबंध किया जाए, और स्थायी रोजगार जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। बहुत सारे साथी हमारे हटाए हुए हैं, ड्राइंग पीटीआई के साथी हटाए हुए हैं, उनको समायोजित किया जाए। नगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हटाए हैं उनको समायोजित किया जाए। कल्पना चावला में से हमारे जो साथी हैं उनको जो है समायोजित किया जाए। तमाम जो हमारे कुशेत्र यूनिवर्सिटी के साथी हैं, हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मांग करते हैं कि सरकार समय रहते चेते और इनको जो है, इनका जो रोजगार है वो स्थायी किया जाए, ये हमारी मांग है। आज का मुद्दा ये कहेंगे, जो फोर्थ क्लास की मांग है वो तत्काल सरकार को माननी चाहिए, नहीं मानेंगे तो आंदोलन तेज होगा। आज की मुख्य मांग क्या है सर? आज की मुख्य मांग है कि जो ये फोर्थ क्लास है इनको रेगुलर किया जाए, और जो इनको ये तनख्वाह कम दी जाती है, तनख्वाह कम नहीं दी जाए, ये कम से कम 24,000 रूपए दी जाए, और नियम के अनुसार इनको रेगुलर किया जाना चाहिए। कितने कर्मचारी हैं? ये तो पूरे बहुत सारे कर्मचारी हैं, पूरे हरियाणा में ही, पूरे हरियाणा में जी बिल्कुल। हाँ, पूरे हरियाणा में आज ज्ञापन देंगे सीएम के नाम, और आंदोलन की चेतावनी कि सरकार माने वरना फिर आंदोलन होगा। आज फोर्थ क्लास यूनियन है जो पिछले काफी टाइम से बड़ा संघर्षशील रही, हमेशा चाहे सरकारें कितनी आई कितनी चली गई, लेकिन जब फोर्थ क्लास यूनियन ने जब भी अपना एजेंडा किया सरकार में, तो हमेशा ये इतिहास गवाह है कि हर प्रकार की सरकार ने इनकी सुननी पड़ी। तो आज एक बार फिर पूरे हरियाणा में आज एक दिन का आंदोलन इन्होंने किया। इस आंदोलन का कारण ये है कि आज शिक्षा मंत्री को भी और मुख्यमंत्री दोनों को ये ज्ञापन दे रहे हैं, और अपनी मांग मांग इनकी है कि कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री और जो सरकार उन्होंने निगम कौशल की जो योजना बनाई है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, इनकी जो वेतन विशक्ति है वो पूरी की जाए, और एक इनका जो फोर्थ क्लास का कर्मचारी जो पार्ट टाइम सीखा है वो जो एज ए सेक्टर काफी टाइम से करता है, सरकार कहीं ना कहीं इसकी भी देखते हैं, उनको सारी चीजों को लेकर आज पूरे प्रदेश में एक दिन का इन्होंने धरना रखा हुआ है, और इस धरने को सरकार से मांग करते हुए यह सिर्फ सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में आंदोलन और लंबा तेज होगा। सरकार भर्ती अभी रोकी हुई है, कई युवाओं के लिए कोई भर्ती नहीं, बिल्कुल ये भर्ती भी उन्होंने रोकी हुई है आने वाले समय में, जब सरकार अपनी जो वादा किया था 2 करोड़ का उसको ये भूल के सरकार दूसरी तरफ सरकार मोड पे चल गई है कि कहीं रोजगार छीनने का भी काम करेगा। आज पूरे देश में प्रदेश आंदोलन का एक रूपरेखा जो उन्होंने बनाई है, कार्यकारी सेक्रेटरी शोकम चैत्री जिला का नाम।